आखिर किन्नर संबंध कैसे बनाते हैं और आखिर किन्नर सिंदूर क्यों लगाते हैं और कैसी होती है किन्नरों की जिंदगी और क्या किन्नर भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं और दुनिया की एक ऐसी किन्नर जिनकी खूबसूरती देखकर आप दंग रह जाओगे और क्यों कहा जाता है कि अगर किसी किन्नर का दिल किसी लड़के पर आ जाता है तो समझो उस लड़के की लॉटरी लग गई और वो उसे मालामाल कर देंगे। किन्नरों से दुआ तो हर कोई लेना चाहता है लेकिन उनकी इज्जत कोई नहीं करना चाहता। दोस्तों आज के वीडियो में हम इन्हीं किन्नरों से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जानेंगे जिसे जानकर शायद आप इन्हें उस नजरिए से देखना बंद कर दें जैसे एक आम लोग इन्हें देखते हैं। दोस्तों कोई भी किन्नर इस बात से पूरी तरह खुश नहीं होता कि वो एक किन्नर है क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि वह इस समाज में नहीं रह सकते और उन्हें एक आम इंसानों की तरह नहीं देखा जा सकता। कभी कभी तो आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा कि इस बात का पता कैसे चलता है कि कोई इंसान किन्नर है या नहीं। आपको बता दें कि किन्नरों का उल्लेख धर्म ग्रंथों में भी किया गया है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि ये किन्नर यदि किसी को आशीर्वाद दे या श्राप दे तो उसका फल निश्चित होता है। और वही आज के जनरेशन की बात करें तो साइंस ये बताती है कि जब कोई बच्चा माँ के पेट में होता है तो 3 महीने बाद ही उसके शरीर का विकास होने लगता है लेकिन अगर इस बीच माँ को कोई शारीरिक प्रॉब्लम या बीमारी हो जाती है तो उस कंडीशन में पेट में हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं जिस वजह से बच्चे में मेल और फीमेल दोनों तरह के जेंडर प्रोड्यूस हो जाते हैं। पर मेन प्रॉब्लम ये होती है कि ये दोनों जेंडर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते और तब होता है किन्नर का जन्म। दोस्तों इसके अलावा एक रीजन ये भी बताया जाता है कि एक एग जो कि सिर्फ फीमेल बनाता है जिसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है वो एक एग के साथ फ्यूज होता है। मेल का सेल जिसमें एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम हो सकते हैं अगर ये एक्स वाला फ्यूज हो गया तो एक्स और एक्स मिलने पर लड़की पैदा होती है और अगर ये वाई सेल फ्यूज हुआ तो एक्स और वाई मिलकर लड़का पैदा होता है। लेकिन कुछ रेयर केसेस में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब एक्स और एक्स क्रोमोसोम मिलने से लड़की पैदा होने वाली हो तभी ये मेल का वाई क्रोमोसोम का कुछ पोर्शन एक्स वाले से जाकर जुड़ जाता है। ऐसा होने के बाद जो बच्चे पैदा होने वाले रहते हैं उनमें जेनेटिकल ऑर्गन सही से डेवलप नहीं हो पाते या फिर मेल में फीमेल और फीमेल में मेल वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं और इसी बच्चे को किन्नर बोल दिया जाता है। दोस्तों अगर किसी किन्नर का जन्म होता है तो ऐसे बच्चे को उसके पेरेंट्स अपने साथ नहीं रख सकते। किन्नर समुदाय के लोग आकर उस बच्चे को गोद ले लेते हैं। ये किन्नर समुदाय के लोग बच्चे को अपने नियमों के हिसाब से परवरिश देते। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन्नर समाज में क्या क्या होता है। दरअसल दोस्तों ये भी हमारी तरह एक आम इंसान ही होते, बस यूँ समझ लीजिए कि भगवान की मर्जी से ये ऐसे हो जाते हैं। इनके भी कुछ सपने होते और समाज का हिस्सा न होने के कारण ये वो सब काम अपनी बसी बसाई दुनिया में ही करते। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या काम करते, तो आपको बता दें कि किन्नर भी हम लोगों की तरह शादी करते और उनकी शादी बिल्कुल अलग होती है। किन्नर समुदाय के लोग अपने आराध्य देव अरावण से शादी करते। आपको बता दें कि अरावण अर्जुन के पुत्र थे। रावण को किन्नरों के पति के रूप में भी जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी ये शादी केवल 21 घंटे यानी कि एक दिन की होती है। शादी का जश्न वो कुछ इस प्रकार से मनाते हैं कि वो अपने देव अरावण की मूर्ति को पूरे एरिया में घुमाते हैं और उसके बाद उस मूर्ति को नष्ट भी कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदू पुराणों के अनुसार महाभारत युद्ध में इस दिन उनके देव अरावण ने प्राण त्याग दिए थे, इसीलिए सभी किन्नर ऐसा करने के बाद शौक मनाते हैं। ये इन किन्नरों के लिए बहुत बड़े त्योहार जैसा होता है जैसे वो हर साल मनाते हैं। अब आइए जरा एक नजर इस बात पर भी डाल लेते हैं कि आखिर मरने के बाद ये लोग उसके आगे की प्रक्रिया कैसे करते हैं। दरअसल जब किसी किन्नर की मृत्यु होती है तो उसे आधी रात के बाद ही ले जाया जाता है। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी आम आदमी किन्नर की शव यात्रा को देख ना सके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किन्नर के मरने पर उनकी बिरादरी वाले शोक नहीं मनाते, उनके मुताबिक ये वक्त खुशी का होता है। उनका ऐसा मानना है कि उनके बीच रह रहे इस किन्नर को इस नर्क से छुटकारा मिल गया और उसका दूसरा जन्म अच्छा हो। मृत किन्नर को चप्पलों से पीटकर विदा किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे दोबारा किन्नर का जन्म ना मिले। लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि किन्नरों के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट ही क्यों रहती है? दरअसल इस हंसते हुए चेहरे के पीछे ये लोग एक बहुत बड़ा गम छिपाए रहते हैं। हम सबकी खुशियों में शामिल होते हैं और हमें दुआएं देते हैं, पर ये अपने लिए बस यही दुआ करते हैं इनको कभी भी किन्नर का जन्म ना मिले। कहते हैं कि इन पर ऊपर वाले की विशेष कृपा है क्योंकि इनका आशीर्वाद सीधा ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता है। दोस्तों भारत पहला ऐसा देश है जिसने किन्नरों को तीसरे वर्ग के रूप में मान्यता दी है। और आपको पता ही होगा कि हाल ही में पद्म लक्ष्मी जो ट्रांसजेंडर थी
वो केरला की पहली वकील बन गई। वही प्रिया भी एक भारत की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर है। मतलब लोगों के देखने का नजरिया बदल रहा है।